तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो अभी मैं फिर से जिम के लिए जा रहा हूँ। कल की मेरी आपको बताइए जिम छूट गई थी, तो अभी बाइक निकालता हूँ। बाइक के साथ हो चुका है एक्सीन, मैंने कल देखा नहीं था। अब बाइक में पिंचर हो चुका है, मुझे पता नहीं कल कैसे हुआ है पिंचर। कल से कहीं गई भी नहीं है, जब से जिम से लेकर आया हूँ यहीं पर ही खड़ी हुई है। अब देखते हैं हवा वगैरह भरते हैं और फिर जाते हैं, देखते हैं अब पिंचर आगे रास्ते में कहीं मिल जाएगा तो लगवा लेंगे, वरना हवा भर के ले जाता हूँ जहाँ तक जाएगी, ठीक है, वरना धक्का मारना पड़ेगा भाई। तो हे गाइस, बाइक में हवा वगैरह भर ली, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। अगर जल्दी जाती है जिम तक तो ठीक है, वरना जिम कंप्लीट कर लिया है। जिम कंप्लीट करके जा रहा था मैं अब घर। तो आज था मेरा बैक डे, तो आज बैक की एक्सरसाइज करी है टोटल, तो अब घर जाके। तो गाइस, जिम से मैं अभी सीधा खेत पे आ चुका था, क्योंकि मम्मी जी को आज फीवर चढ़ रहा है, तो इस वजह से मुझे भैंसों का चारा लेके मुझे जाना पड़ेगा। तो चारा ले लिया है मैंने, बाइक पर रख लिया है, और चारा ले कर सीधा जा रहा हूँ घर। और अभी मेरी एक गड्डी और है, वो गड्डी आगे से उठाऊँगा मैं, और फिर मैं अभी घर पर आ चुका हूँ चारा ले लेके भैंसों का। तो ये रहा चारा, तो अभी मैं नहाऊंगा। और मैं जस्ट मार्केट जाने के लिए तैयार हुआ था, और देख सकते हो बारिश आ गई भाई। मॉर्निंग में तो बारिश पड़नी है, 3-4 दिन से यही हो रहा है, मॉर्निंग में डेली बारिश पड़ रही है। तो अभी मैं मार्केट जा रहा था, ऐसे लेके आया था मैं कुछ खरीदने के लिए अपनी बुक्स वगैरह, तो अब बारिश आ गई है। जब तो भाई मैं अपनी छत पर आया था, और अभी तुम्हें एक चीज दिखाऊं, देख के बोलो कि भाई ये क्या दिखा दिया। मौसम देख लो एक बार कैसा हो रहा है, खतरनाक बहकी सभी जुबान हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। चढ़ रहा है बुखार, और माँ जी बाबा के लिए भी बनाऊंगा चाय। तो अब पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ चाय बनाने का, मैंने अभी तक कभी भी चाय बनाई नहीं है, ट्राई नहीं किया, बट अब बुखार चढ़ रहा है तो मुझे बनानी पड़ेगी। था घर से बाहर घूमने के लिए, सुबह से बारिश पड़ रही है भाई, कहीं जाया भी नहीं जा रहा मेरे से, तो घर में ही कैद है एक तरीके से। गाड़ी है नहीं भाई तुम्हारे भाई पे, जो गाड़ी लेके कहीं घूमने चला जाएगा भाई, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो गाड़ी वाड़ी जब ही आएगी। तो मैं ये मजाक था एक, तो सीरियस मत लेना, सही में मेरे पे गाड़ी ना वैसा तो, बट हाँ सपोर्ट करना अपना, गाड़ी भी आएगी। तो अभी मैं बाहर आया था घूमने के लिए जस्ट, तो घूमने के लिए जा रहा हूँ भाई। व्लॉगिंग का मन भी नहीं करता, बार बार तुम्हें एक चीज़ दिखाता रहूँ ना मैं, जैसे मैं भाई अभी मैं डेली का, अभी मेरे पास कॉल भी आए थे एक दो बंदों के कि भाई डेली डेली आप वेदर दिखाते रहते हो, खेती दिखाते रहते हो, और क्या दिखो भाई, और क्या दिखाऊँ जब बारिश पड़ रही है, कहीं घूमने ना जा रहा तो फिर क्या दिखाऊँ। अरे शेखर भाई वो वैसे मेरे मामा लगते हैं, तो जो मेरी नानी है, मतलब मेरी नानी की बहन के लड़का है ये, तो ये अभी मेरे से बोल रहा था मामा भांजे को पीट सकता है पर भांजा मामा को नहीं पीट सकता। तो भाई इसको कुछ कायदे कानून से बताओ कि भांजा मामा को पीट सकता है, मामा भांजे को नहीं पीट सकता। तो सही हो मामा, क्या हाल है आपके? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, जैसे कि आप मतलब हाँ 3-4-5-6 जनों के मामा ही लगते होगे, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको कैसा फील होता है, प्राउड फील होता है क्या? इतना प्राउड फील हो रहा है, भीतर से आवाज ही नहीं निकल रही मामा की, आवाज़ ना निकल रही भाई बिल्कुल भी। ये बोल रहा है 5-6 मामा भांजे के कर्ज में दब गया ये। हाँ तो भाई क्या बात कर रहे थे आप बताओ।
चोर बाजार से 5-6 फोन लाएंगे, ठीक है, यहाँ ला के बेचेंगे। आईफोन लेकर आओगे? आईफोन ना, एंड्रॉइड लाएंगे। आईफोन में तो रिस्क है। अच्छा, रिस्क है, रिस्क सही तो इसका है, जाओ इस तेजी में। अच्छा ठीक भाई, ला के उन्हें 5-6 हजार रुपए का मिलेगा वहाँ से, 12-13 हजार का आराम से बिकेगा। अच्छा, ला के वहाँ सेल करेंगे। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस, बिजनेस माइंड ब्रो। तो भाई इनकी बात सुन लो, ये बोल रहे हैं ये फोन लेकर आएंगे भाई। अभी पूछ रहा हूँ मैं आईफोन ले आऊँ तो ये बोल रहे हैं आईफोन में रिस्क है, तो इनको बताओ रिस्क के बिना तो रिस्क ही नहीं है। तो अब एंड्रॉयड फोन लाने की बात हो रही है दिल्ली चोर बाजार से, और अपना बिजनेस खोल रहे हैं भाई। ये बोल रहा जमानत भी ना करे आईफोन पे, तो कोई ये बोल देंगे करके भी मर जा। तो भाई कब चलना दिल्ली? कल को चल रहे हैं। तो बालक भी ये व्लॉग देखने को बेताब हो रहे हैं कहीं बाहर जाने का, मैं खेत वेत ही दिखाता रहूं, ये भी खुश हो जाएंगे। मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से बैठेंगे, वहीं चलेंगे फिर गफ्फार मार्केट में। गफ्फार मार्केट नहीं खुली है, संडे में लगता है ये चोर बाजार में देगा। तो संडे में चल देंगे, तो संडे में चलेंगे, सैटरडे में चलेंगे, संडे को सुबह सुबह लगे अंधेरे में। अच्छा, वहाँ पे होटल लेकर रहना पड़ेगा तो एक दिन। चलो तो ठीक है। तो गाइस सारा चोर बाजार लूट लेंगे, गाइस छोटा हाथी लेके चलेंगे। छोटा छोटा हाथी का टायर भी बेच दें हम इतनी देर में निकाल के करेंगे ना, मरेजा में ना। तो गाइस गाइस बात चल रही है अभी चोर बाजार जाने की, तो बताओ तो कमेंट में बताओ मेरे को चोर बाजार में जाना रिस्क है या नहीं है। हम ही हमको ही ना कोई बेच दे भाई वहाँ, पकड़ के हमारा फोन ही बिक रहा होगा, अभी आगे जाकर पता चले तो हमारा ही फोन है हमारे ही जो रहा। तो अभी आप बताओ चोर बाजार में जाना सही है या ना है? बहुत बढ़िया भाई, बिजनेस खोलेगा भाई ये फोन का, बिजनेस करूंगा तकड़ा बिजनेस। वहाँ से छोटा हाथी भर के लाना, चाहे कुछ भी भर के लाओ, चप्पल जूता जो मिलेगा वही लाओ। छोटा हाथी बढ़ने की तैयारी चल रही है, जूते मिलेंगे 100-100 रुपए में। चलो तो यहाँ के 400। तो गाइस आपको भी फिर, तो भाई आपको भी व्लॉग मिल जाएगा, अब दिल्ली जाने का मुझे मौका मिल चुका है, तो दिल्ली जाऊंगा। अब खेत पेत की जगह थोड़ा शहर वगैरह देखिए, ट्रैफिक वगैरह तो दिल्ली। तो गाइस अपने भाई की टर्री आई है तो उसमें बैठ के चल रहे हैं। तो ब्रो कहाँ पे लेकर जाओगे हमें? दिल्ली ले सको, चोर बाजार में ले जा सको हम दिल्ली? चलो बैठो बैठो, चलो तो चलो भाई। ओ पतली ओढ़ को मेट्रो तो मिली ना, पर मिनी मेट्रो मिल गई, तो मिनी मेट्रो से जा रहे हैं भाई, मौज लेंगे। फार मार्केट पहुंच के ब्लॉग बनाएंगे दोबारा, मिनी मेट्रो के नजारे ले लो भाई। इसको लहरा क्यों रहे हो, साफ बना रहे हो इसका भाई? पटरी ऐसी बिछी हुई है। तो भाई पटरी गलत बिछी हुई है क्या इसकी, मिनी मेट्रो की? तो भाई इसको लहराओ ना, सांप बनाओ थोड़ा सा, कि जैसे पंजाबी बाग है, कश्मीरी गेट है, तो इसमें भी वो सिस्टम लगाना, तो वो सिस्टम लगवाएंगे। तो भाई से रिक्वेस्ट कर दीजिए भाई। तो भाई कब लगवा रहे हो आप इसमें ये सिस्टम? अच्छा लगा रखा है, लगा नहीं, चढ़ा नहीं रे। तो भाई धन्यवाद तुम्हारा, आप यहाँ तक हमको लेकर आए हो कश्मीरी गेट तक, ठीक है भाई धन्यवाद। ठीक है तो भाई चलो है। मम्मी को चढ़ रहा है बुखार और मैं जा रहा हूँ अभी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास से दवाई लेके अभी आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। घूम के मैं अभी आ चुका था, ये दवाई लेके अभी आ चुका हूँ मैं घर, मम्मी को अब दवाई दूंगा और उसके बाद जो मेरा अपना एडिटिंग का काम है उसको स्टार्ट कर दूंगा। एडिटिंग के बाद ही खाना वगैरह खाऊंगा, तो अब एडिटिंग करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और खाना एडिटिंग के अब बाद खाऊंगा, मम्मी जी को दवाई दे दी है, और इस ब्लॉग को अब गाइस यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं। तो जो भी बंदा प्लीज़ चैनल पर न्यू आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो भी मेरा न्यू ब्लॉग आएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी मेरी कमी हो ब्लॉग में प्लीज़ मेरे को बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।